वेलकम, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डार्क कनेक्शन। साउथ की कुछ फिल्मों का इंतजार हर भाषा के दर्शकों को है। इसी में एक नाम बाहुबली फिल्म निर्देशक राज मौली की फिल्म ट्रिपल आर का है। साल 2021 के शुरुआत में ही कई फिल्म मेकर्स ने अपनी फिल्मों की रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। आलिया भट्ट स्टारर SS राजमौली की फिल्म ट्रिपल आर की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है। इस फिल्म को दशहरे के मौके पर 13 अक्टूबर 2021 को रिलीज किया जाएगा। ट्रिपल आर इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल है और दर्शक बेचैनी से फिल्म की रिलीज डेट का इंतजार कर रहे थे, जो अब खत्म हो चुका है। लेकिन अब राजमौली के इस अनाउंसमेंट से अजय देवगन बहुत परेशान है। अजय देवगन ट्रिपल आर के मेकर्स से काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि जब राजमौली को अजय देवगन ने कहा था कि वह एक बार बोनी कपूर से बात कर ले, लेकिन राजमौली ने अनसुनी कर दी और उनसे यह बात छुपा कर रही थी। यही कारण है कि उन्होंने ट्रिपल आर की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर भी नहीं किया है। ऐसे में अब उन्होंने कही है कि वो अब अपनी दोनों में से किसी भी फिल्म को प्रमोट नहीं करेंगे। यही बात बोनी कपूर को बुरी लग गई है। उनका कहना है कि मौजूदा समय में इंडस्ट्री को सपोर्ट की ज़रूरत है, क्लैश की नहीं है। इतने सारे शुक्रवार है, ऐसे में एक फिल्म दूसरी फिल्म का बिजनेस क्यों काटे। बोनी कपूर ने भी राजमौली की फिल्म ट्रिपल आर पर सवाल खड़े किए हैं। उन्हें ट्रिपल आर के मेकर्स राजमौली से काफ़ी शिकायत है। उनकी नज़रों में जिस डायरेक्टर ने बाहुबली और बाहुबली 2 जैसी बड़ी फिल्में दी हैं, उसे राजमौली के लिए दशहरे जैसे त्यौहार या फिर वीकेंड वीक की ज़रूरत क्यों पड़ी है, यह सोचने वाली बात है। बता दें कि बोनी कपूर द्वारा प्रोड्यूस्ड फिल्म मैदान को 15 अक्टूबर 2021 में रिलीज किया जाना है, लेकिन अब उससे 2 दिन पहले ट्रिपल आर की रिलीज से बोनी की फिल्म की कमाई पर असर पड़ना लाजमी है। बोनी 15 अक्टूबर को ही मैदान रिलीज करने वाले हैं। वहीं ट्रिपल आर की बात करें तो यह फिल्म 13 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।